जी सुपर सीडर मशीन ऑल इन वन मशीन है, इसके आने के बाद किसानों के जितने भी एम्प्लीमेंट्स थे उनके ज़्यादातर काम सुपर सीडर मशीन अकेली कर देती है, इसके बड़े फायदे हैं। जैसे और पराली के समाधान क्या, वो इसके लिए सुपर सीडर सबसे मोस्ट मशीन है, सबसे बढ़िया मशीन है। काफ़ी सारे समाधान जो पराली के जितने भी अच्छे कटाई बढ़ाई हो, गांठे बनाने और बनाने सारे उसके माध्यम से हो जाता है अच्छे तरीके से। सुपर सीडर का जी सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इस मशीन से एक साथ में जो दूसरे एप्लीमेंट से काम किए जाते हैं वो इसी मशीन से हो जाते हैं, जिससे जो लागत है किसान की वो हमारी और सभी साधनों के से इसमें कम आती है, और ये हमारे लिए बड़ी किफ़ायती और फायदेमंद है। पराली का भी समाधान, हाँ पराली का समाधान भी कर देती है, एक साथ में सारी चीज़ कर देती है जी, बिजाई बोई ये सब चीज़ सुपर सीडर से हो जाता है हमारा, दूसरे एम्प्लीमेंट हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। तो सर ये जो पराली को नीचे दबाती है ज़मीन से, उस पर कुछ खाद का भी फर्क पड़ता है? नहीं, पूरा पूरा खाद का फर्क पड़ता है, पराली को जैविक खाद के रूप में जो चेंज करती है, हमारी ज़मीन की उर्वर शक्ति बढ़ती है, फसल अगली फसल जब हम लेते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है, हमको अच्छी फसल होती है उससे और भी ज़्यादा पिछले वर्ष से। तो इस पे कुछ सरकार भी सहायता कर रही है सुपर सीडर देने में? हाँ सरकार तो सहायता तो कर रही है, लेकिन जितनी किसान उम्मीद करता है उससे वो बड़ी कम है, क्योंकि लेने वाले लाइन में 500 आदमी होते हैं, मिलते जब 40 मशीनें तो उस पर फिर वो दिखते ही रहती है, इसलिए सुपर सीडर को ज़्यादा महत्व दीजिए, इस पर सब्सिडी भी ज़्यादा की जाए ताकि किसान को कम कॉस्ट में पड़े और किसान इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपना उपयोग कर अपने खेती को उन्नत तरीके से बढ़ावा दे सके। सर ये सुपर सीडर जो है हमारी CRM स्कीम है, क्रॉप रेजिडू मैनेजमेंट की, जो हमारे पिछले 3 सालों से चल रही है, तो इसमें हमारे ये टोटली सेंट्रल स्कीम है, इसमें हम नो टाइप की इम्प्लीमेंट देते हैं, इसमें एक सुपर सीडर भी है जो कि हमारी फसल अवशेष प्रबंधन में काम आता है। इसकी टेक्निक ये है कि हमें दो तरह से हम क्रॉप रेजिडू मैनेजमेंट करते हैं, एक तो हम खेत में ही मिलाते हैं और एक खेत में से अवशेष को बाहर निकालने का जो बेलिंग करते हैं, तो ये हमारा इन सीटू बोलते हैं इसको, हम इन सीटू मैनेजमेंट का मशीन है हमारी ये सुपर सीडर। सुपर सीडर लोगों में काफ़ी पॉपुलर मशीन है और हमारे ज़िले के अंदर सुपर सीडर मशीन करीब करीब 450 सुपर सीडर अभी हमने अनुदान पे दिए हैं, जिस पे हम व्यक्तिगत जमींदारों को 50% अनुदान, जिस पे 1,05,000 मैक्सिमम, और सोसाइटी में हम 80% इसमें अनुदान देते हैं। ये जो टेक्निक है सुपर सीडर, इसमें क्या होता है कि धान कटाई के बाद तो गेहूँ बिजाई करनी होती है, तो जैसे ही हम कंबाइन से काटते हैं धान, उसके बाद जो पराली रह जाती है खड़ी हुई या पड़ी हुई, उसके अंदर सिंगल पास के अंदर या हम गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं। ये क्या काम करता है कि बिजाई भी करता है और साथ साथ जो हमारा स्ट्रा है उसको ज़मीन के अंदर मिला देता है, मिक्स कर देता है। इसमें दो टाइप का मैनेजमेंट है, इसमें एक आगे रोटावेटर टाइप लगा हुआ और पीछे हमारे जीरो टिल मशीन टाइप है, ये दोनों का कम्बिनेशन है सुपर सीडर। उसमें क्या हुआ, आप सिंगल पास के अंदर विदाउट एनी ऑपरेशन, आपने कोई भी हैरोइंग नहीं करनी, कोई आपने रोटावेटर नहीं चलाना, कोई भी मशीन नहीं चला के आप सिंगल मशीन से कम 1 एकड़ में 5 से 7 हज़ार रुपये आपके ऑपरेशन के बचते हैं और सिंगल पास में ही आपकी गेहूं की बिजाई हो जाती है। इसमें ये फायदे हैं कि आपका मान लो समय नहीं है, गेहूं बिजाई का समय जाने लग रहा है, तो आप इसमें आराम से आप बिजाई कर सकते हो स्ट्रा के अंदर ही, आपको स्ट्रा जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, स्ट्रा को उठाना नहीं है, उसके अंदर ही वो आपका उसके साथ ही मिक्स हो जाएगा ज़मीन के अंदर और आपकी बिजाई भी गेहूँ की हो जाती है। हाँ इसमें 2-3 बातें हैं सुपर सीडर में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा स्ट्रा है जो पराली का, उसको यदि हम खेत में मिलाते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसमें जो भी हमारा पानी की सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, एरिएशन बढ़ जाती है और जो उर्वरा शक्ति है उपजाऊ शक्ति वो हमारी बढ़ती है। दूसरा ये होता था कि हमारे पास और ऑपरेशन करने का जो खर्चा है, लागत जो होती थी हमारी वो ज़्यादा होती थी, अब इस सिंगल ऑपरेशन में ही हमारा सुपर सीडर यदि आप किराए पर कराए 2,000 रुपये में लगभग 1 एकड़ कर देता है, तो यदि हम और ऑपरेशन करेंगे, इससे पहले यदि करने पड़ते थे हमें पहले, उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा आता था, तो लागत बचती है, समय की बचत होती है, दूसरा ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और समय से हम गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं इससे। और इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें आपकी जो आगे गेहूँ का पानी का होता है, पानी जो लगाते हो उसमें भी आप डिले कर सकते हो, इसमें नमी बनी रहती है। जो हमारे फार्मर हैं अभी 2 तरीके ही मोस्टली अपना रहे हैं, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो मैं खासकर बात करूँ, हमारे कम से कम 1,000 इम्प्लीमेंट उठ रहे हैं, तो उसमें 600-700 ये हमारे सुपर सीडर का ही रुझान है, तो सुपर सीडर यहाँ अडॉप्ट हो रहे हैं, क्योंकि बेलिंग का यहाँ बेल उठाने का काम कम है, तो एक बेलर है एक सीटू में और इन सीटू में सुपर सीडर, तो हमारे हिसार में सुपर सीडर ही पॉपुलर है, इसी का लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं।